हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 66, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करेंट अफेयर और एमपी जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना शुरू की है? पूछा गया आपसे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर एक, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग परीक्षा ऐप पर जाकर वहां ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आपको यह टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कूपन कोड दबंग50 यूज़ करते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में 50 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं, जहाँ पर टेस्ट का फुल एनालिसिस किया जाएगा और आपका एमपी के हज़ारों टॉपर्स के बीच में अपनी रैंक देखने को मिलेगी। और जल्द ही इस पर मेगा टेस्ट आयोजित होने वाला है, तो इसकी तारीख भी आप देख लीजिए, 2 मई 2021 को मेगा मॉक टेस्ट होने वाला है, जहां पर 150 एमसीक्यू होंगे और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो जाकर तुरंत परीक्षा ऐप पर इस पेपर को लगाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, ताकि आप लोगों को यह एनालिसिस हो सके कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, श्रीमती इमरती देवी। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी है तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में किसे प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? पूछा गया आपसे, हाल ही में किसे प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, मैहर को। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है। मैहर सतना जिले में स्थित है और यह शारदा देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सतना जिले में ही प्रसिद्ध पवित्र स्थल चित्रकूट भी स्थित है। और इसके अलावा सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, भारत के राष्ट्रपति को पद के लिए शपथ कौन दिलाता है? पूछा गया आपसे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है तथा मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पालवंशी शासक गोपाल ने की थी और बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर है फागु चौहान और बिहार के चीफ जस्टिस है संजय करोल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? पूछा गया आपसे केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, दमन। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय कर दिया गया है और यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया है और इसकी राजधानी दमन में स्थित है। अब भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? पूछा गया आपसे सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, खंडवा जिले में। सिंगा जी का मेला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगता है। खंडवा जिले में प्रसिद्ध ओमकारेश्वर व ममलेश्वर शिवलिंग भी स्थित है। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? पूछा गया आपसे वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का उपयोग चंपारण में 1917 में किया था। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण क्षेत्र में गांधी जी द्वारा अंग्रेज जमींदारों के विरुद्ध किसानों के समर्थन में चलाया गया था। यह आंदोलन अंग्रेज जमींदारों की तीन कथिया पद्धति के विरुद्ध चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? पूछा गया आपसे चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, टाइफून। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम टाइफून है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा है रेन मिनमिंग और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे किसमें संग्रहित करते हैं? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे किसमें संग्रहित करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, प्रथम अमाशय में। मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे प्रथम अमाशय में संग्रहित करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा मानव के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, मानव शरीर में गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कार्य गुर्दों के द्वारा किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, उत्सर्जन। मानव शरीर में गुर्दे उत्सर्जन का कार्य करते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी ब्रक पाए जाते हैं जिनका वजन लगभग 140 ग्राम होता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रक, त्वचा, यकृत तथा फेफड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो किस वजह से बंकित हो जाती है? पूछा गया आपसे जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो किस वजह से बंकित हो जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, विवर्तन। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो वह विवर्तन के कारण अपने पद से हट जाती है। किसी अवरोध के किनारों अथवा द्वारक से उत्पन्न हुई अवरोध की ज्यामिति छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपरों के वीडियोस देखना है या फिर इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर्स के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, मरुस्थल में मरीचिका का मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? पूछा गया आपसे मरुस्थल में मरीचिका का मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपका एक आंसर सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबंध
दोनों। आपसे पूछा गया है मरुस्थल में मरीचिका का मृत तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही। मरीचिका भ्रम में कोई वस्तु या वाहन का उल्टा दिखना या सड़क पर ढलावी भूमि पर पानी दिखना इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से सबसे कमजोर बंध कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से सबसे कमजोर बंध कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध दिए गए सभी बंधों में सबसे कमजोर बंध है। हाइड्रोजन बंध एक मंद संयोजी है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पेड़ों की कटाई। बिश्नोई आंदोलन पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1730 में हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। पूछा गया आपसे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 5। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के न्यायिक आदेश रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छालेख शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था। पूछा गया है आपको चार ऑप्शन देकर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा सिसोदिया वंश के शासक थे, इनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, चांद का मुंह टेढ़ा कविता के लेखक कौन है। पूछा गया आपसे चांद का मुंह टेढ़ा कविता के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा नामक कविता के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में हुआ था। इनकी अंतिम रचना भारत इतिहास और संस्कृति थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। पूछा गया आपसे हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विराट कोहली। विराट कोहली भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और यह हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। पूछा गया आपसे वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल की एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल का जन्म अमेरिका में हुआ। इस खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था। पूछा गया आपसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के सबसे खतरनाक अग्रदूतों में से एक, भारतीय असंतोष के वास्तविक जनक एवं लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पूछा गया आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर राज्य देखा जाए तो वह है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। पूछा गया आपसे भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। भारत के गुजरात राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है। भारत
में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या 9 है और भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में SMS पे फीचर किस बैंक ने लॉन्च किया है। पूछा गया आपसे हाल ही में SMS पे फीचर किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, यस बैंक ने। हाल ही में यस बैंक ने SMS पे फीचर लॉन्च किया है और यस बैंक के नए MD और CEO बने हैं प्रशांत कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना का जो वर्ष है वह 2004 है। इसे भी आपको याद रखना है, यस बैंक को 2004 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, आइसलैंड ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये पांचों देश शामिल हैं, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, हेजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। पूछा गया आपसे हेजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, फिलिप्पो पकिनी। हेजा के रोगाणु की खोज फिलिप्पो पकिनी के द्वारा की गई थी। यह जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। मनुष्यों में इसका संचरण जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है हेजा किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु संक्रमण के कारण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, समाचार पत्र निमाण एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित होता है। पूछा गया आपसे समाचार पत्र निमाण एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित होता है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, बड़वानी। समाचार पत्र निमाण एक्सप्रेस बड़वानी जिला से प्रकाशित होता है। बड़वानी जिला मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर संभाग में है। बड़वानी में प्रसिद्ध 52 गजा की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 84 फीट है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। पूछा गया आपसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद दोस्तों।